नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने लैपटॉप को अपग्रेड करने वाला हूँ 240 GB कुर्सियल के SSD के साथ में। और ये मेरा लैपटॉप था, ये बहुत ही पुराना है, HHD में ये बहुत स्लो चलता है, और इसीलिए मैं अपने लैपटॉप को SSD से अभी अपग्रेड करूँगा और देखेंगे इसका बूट टाइम वगैरह और इसकी परफॉर्मेंस। और इसका मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर दिया था अमेजन से, तो यहाँ पे अमेजन से मुझे मिल चुका है। और इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो तो आप लोग देख ही सकते हैं, कुछ इस टाइप का पैक बन के आया था और मैंने यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं किया, डायरेक्ट हाथों से फाड़ दिया इसको और जो भी प्रोडक्ट था अंदर वो मैंने निकाल लिया। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, तो कुछ अमेजन का ये गत्ते में आया था और फिर उसके बाद में ये बिल था ऊपर की तरफ, और ये था हमारा SSD। आप लोग देख सकते हैं कुर्सिल का SSD है, BX500 मॉडल है, 2.5 इंच साटा SSD है इसका कनेक्टर टाइप। और ये देखिए सील ऊपर की तरफ इसमें पहले से ओपन था, मैं इसको यूज करूँगा और इसमें विंडो वगैरह डालूंगा। अगर ये चलेगा सही से तो मैं इसको अपने पास रखूँगा, अगर नहीं चलेगा तो मैं फिर से रिटर्न कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें सील पहले से ही ब्रोकन थी और मैंने इसका तुरंत ही वीडियो बनाया और उसमें ही मुझे ये सील ओपन मिला, तो कोई बात नहीं। और ये इसका यहाँ पे देखिए सील यहाँ पे ब्रोकन था, तो कोई बात नहीं, किसने लिया होगा रिटर्न कर दिया होगा, मे भी ये ख़राब ना निकले। और मैं इसको अभी लैपटॉप में इंस्टॉल करूँगा और फिर उसके बाद में आप लोगों को दिखाऊँगा इसमें कि कैसा क्या चलता है। और जो मेरा पुराना हार्ड ड्राइव था वो लैपटॉप के साथ में एक इनक्लोजर के साथ में लगा हुआ था, तो मैंने उस इनक्लोजर को निकाल लिया ताकि ये जो SSD है सही तरीके से फिट हो जाए लैपटॉप में। तो उसको मैंने अच्छी तरीके से सेट कर लिया जिससे SSD हिले ना और कोई डैमेज वगैरह ना आए। और ये देख सकते हैं मेरा सरियल लैपटॉप है, ये लैपटॉप वही 10-12 साल पुराना है और बहुत बहुत ही स्लो चलता था। और इसको अभी मैं सिर्फ टर्न ऑन करूँगा और इसके बायोस में देखूँगा कि ये SSD है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मेरा 2 नंबर पे SSD दिखा रहा है, CT 240 GB SSD। और इसके बाद में मैंने इसमें विंडो इंस्टॉल किया और विंडो भी काफ़ी जल्दी इंस्टॉल हो गया, और मैंने इसमें इंस्टॉल किया है विंडो 7 का अल्टीमेट जो सिस्टम आता है वो। और भी उसको बाद में यहाँ पे देखिए इसका मैं करने वाला हूँ अभी बूट टाइम का टेस्ट। यहाँ पे देखिए मैंने अपना फ़ोन रखा हुआ है स्टॉप वॉच के लिए और यहाँ पे लैपटॉप की प्रेस की और डायरेक्ट यहाँ पे स्टॉप वॉच को मैंने चालू कर दिया है और देखते हैं इसको कितने सेकेंड लगता है। तो अभी तो विंडो स्टार्ट हो रहा है और वही विंडो हमारा स्टार्ट हो चुका था, 11 सेकंड में स्टार्ट हो गया था। और अगर पासवर्ड वासवर्ड डालें अपना टाइम बर्बाद करें तो यहाँ पे 18 सेकंड में अच्छी तरीके से विंडो ऑन हो चुका है। और फिर से मैं इसको ऑफ करने वाला हूँ, देखता हूँ कितने सेकंड में ये ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये 5 सेकंड में फुल कम्प्लीट ऑफ हो चुका था। अगर मैं अपने यूजर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये SSD काफ़ी अच्छी है, आप लोग इसको ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ऑफलाइन से भी मिल जाती है और ऑनलाइन भी इसको अमेजन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। और मैं अपना यूजर एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे, मेरे पास में लैपटॉप है वो 10 साल पुराना है, वही 10-12 साल पुराना, तो इतना लेट था कि वो 4-5 मिनट लगता था उसको ओपन होने में और क्रोम वगैरह तो ऐसा लगता था जैसे ये भूल गया है, मैंने क्लिक किया है फिर भी वो ओपन नहीं होता था। और इसको यूज करने के बाद में ये बहुत फास्ट हो गया है लैपटॉप, हालांकि अभी इसमें मुझे सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना है, क्रोम वगैरह बाकी चीज़ें ड्राइवर्स वगैरह डालने हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं इसकी स्पीड क्या रहती है। और बाकी सब कुछ अच्छा है। और ये SSD देखिए ये आती है BX500 इसका मॉडल नंबर है, और बस अमेजन से मैंने मंगाया था। और इसकी सबसे बेकार बात यही लगी कि इसमें इन्होंने मुझे सील ओपन्ड ये दी है SSD, तो यही मुझे ख़राब लगा, बाकी सब कुछ अच्छा है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।